हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे बेसन और आटे से लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। बहुत यम लगते हैं और ये है लड्डू के लिए। तो हमने घी ले लिया है, देसी घी, और उसमें हमने आटा और बेसन मिक्स करके उसको डाल दिया है। उसको भूनने में टाइम लगता है, इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होता है कि थोड़ा धीरे 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 लो फ्लेम पे हमें बहुत अच्छे से रेड होने तक, इसका ब्राउन कलर एकदम वैसा ऐसा कलर होने तक हम लोग इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से, कच्चा ना रहे। अपने आप वो घी थोड़ा सा अलग हो जाता है और एकदम जैसे ड्राई से बिल्कुल गीला हो गया है। और हम इसमें बूरा ऐड कर देंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम बूरा ऐड करेंगे, नहीं तो पानी छोड़ के एकदम हलवा जैसा बन जाएगा। तो हम इसको बूरा मिला के, जो भी ड्राई फ्रूट्स डुगू नहीं खाती है ड्राई फ्रूट ज़्यादा, तो मैंने बादाम को अच्छे से रोस्ट करके उसमें भुन के कूट के इसको अंदर मिक्स कर दिया है। और ये हमारे लड्डू इतने जल्दी से रेडी हो गए और बहुत ही यम्मी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो बहुत अच्छे से खाती है।